यूरोप का वो देश जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। उत्तरी यूरोप के बाल्टिक सागर और गोथनिया की खाड़ी में बसा स्वीडन अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण हमेशा से ही टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वीडन का लगभग 2/3 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। स्वीडन की सीमाएं पश्चिम और उत्तर में नार्वो, पूर्व में फिनलैंड, दक्षिण में डेनमार्क से मिलती है। स्वीडन यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये देश 450,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन 1,27,00,000 है। अगर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो पर स्क्वायर किलोमीटर पर केवल 25 लोग ही रहते हैं, जबकि यहाँ के शहरी क्षेत्रों में 80% लोग और बाकी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। स्वीडन के लोगों को सिंपल और मैनर्स वाला माना जाता है। ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। स्टॉकहोल्म स्वीडन की राजधानी शहर है और इस शहर को देश का सबसे खूबसूरत और सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। इस शहर में दुनिया के टॉप रैंक स्कूल और यूनिवर्सिटी भी है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी स्टॉकहोल्म मेट्रो भी इसी शहर में है। ये शहर 14 आइलैंड्स पर बना हुआ है, जहाँ पर 50 से ज्यादा ब्रिज है। स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट की लिस्ट में 6 नंबर पे है। ये पासपोर्ट 188 देशों में बिना वीजा के एंट्री दिला सकता है। इस देश में एक और खास बात यह है कि इस देश में माता पिता अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं कर सकते। बच्चों पर अत्याचार करने के खिलाफ कड़े कानून है। 1789 में बने कानून के द्वारा माता पिता और रिश्तेदार बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। स्वीडन में बच्चों के पैदा होने से पहले और बाद तक पेरेंट्स को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। इसके लिए आपको स्वीडन के नागरिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस देश में बस काम करने के लिए गए हैं तो भी आपको यहाँ के नागरिक की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इस देश में बच्चा पैदा होने के बाद या फिर गोद लेने के बाद 480 डेज का पेरेंटियल लीव ले सकते हैं। और तो और यहाँ के लोगों को ये भी हक है, बच्चों की उम्र 8 साल होने तक काम काज के घंटे 25% कम कर सकते हैं। स्वीडन अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस देश की एक परंपरा है फिका, यानी कॉफी, केक या फिर कुछ मीठा। मीठे के साथ अपने कर्मचारियों और अपने दोस्तों के बीच हल्की फुल्की चर्चा करना, यहाँ के ऑफिस में इस परंपरा को सबसे अच्छे से फॉलो किया जाता है। स्वीडन की कुछ ऐसी जगह है जहाँ 100 दिनों तक रात नहीं होती। स्वीडन का पॉपुलर जानवर मूस है, जो एक प्रकार का हिरन है, और स्वीडन में इनकी संख्या करीब 3-4 लाख है। स्वीडन दूसरे देशों से कचरा इंपोर्ट करता है, यानी स्वीडन दूसरे देशों से कचरा खरीदता है और इसका रिसाइकल करके बिजली बनाता है। दुनिया का पहला आइस होटल स्वीडन में है और इसे हर साल दिसंबर से अप्रैल तक बनाया जाता है। सो गाइस, ये था बेहद ही खूबसूरत देश स्वीडन। फिर मिलेंगे एक नए देश के साथ।